मैं भी जिन हजरात को जो हमारे शख्सात हैं उनको स्टेज पे बुलाने की रिक्वेस्ट करता हूँ। साईं चेयरमैन मासूर नूरानी साहब को गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पे आए। मासूर नूरानी साहब, मैं डॉक्टर नईमा सईद साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्टेज पे आ जाएं। साईं हमारे प्यारे दोस्त साथी अली गुल मेतलो साहब को गुजारिश है कि वो स्टेज पे आ जाएं। साईं अली गुल मेतलो साहब, साईं ए बी लाशारी साहब की गुजारिश आए तो वो स्टेज पे अचन। मैं डॉक्टर सैयद जाफर साहब को गुजारिश कर रहा हूँ वो स्टेज पे आ जाएं। साईं मां गुजारिश कंदुसि अली असगर बुरडो साहब के तो वो स्टेज पे अचन। साईं मौला बख्श चंड साहब के गुजारिश आ तो मथे अचो। साईं मां गुजारिश कंदुसि डॉक्टर वंद अयूब शेख साहब के मथे स्टेज पे अचन। डॉक्टर अयूब शेख साहब, साईं अशरफ खावर साहब के गुजारिश आ तो अचे कुरान शरीफ तलावत करे। اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم مہربانی سائیں ہمارے یہ فورم کا جو آبجیکٹو ہے کہ ہم مل جل کے اس ملک کے لیے اس خطے کے لیے کام کریں اور جتنے ہمارے مسائل ہیں उसको मिलजुल के स्टेट से या डिपार्टमेंट से या मिनिस्ट्री से मिल के हल करें, उसके लिए ये हमने मसूर नूरानी साहब के चेयर में ये फोरम बनाया था। उसके साथ में जितने भी हमारे मेहमान में मैं जाफर साहब को वेलकम करता हूँ, मैडम नजमा साहबा को, नईमा साहबा को, अली गुल मेतलो साहब को और शामिन जो हमारे दोस्त बैठे हैं उन सब का हम खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं कि आप अपना टाइम छोड़ के यहाँ आएँ। और उसके साथ मैं अयूब शेख साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बहुत मसरूफ़ थे, इनकी अपनी एक फैमिली की शादी थी, लेकिन इस प्रोग्राम के लिए ये रात वहाँ से रवाना हुए और सुबह 6 बजे यहाँ कराची में पहुँचे और अभी हमारे साथ हैं। अयूब शेख साहब का भी हम शुक्रिया करते हैं। जितने दोस्त आए वक्फे वक्फे में सबका नाम लेके शुक्रिया अदा करूँगा। अब मैं जिन दोस्तों मुकरन को बुलाना चाहता हूँ वो अपने ख्यालात का इजहार करें, तो पहले मैं मोहम्मद शोएब बिकिक साहब को गुजारिश करता हूँ कि वो इस मौजू के लिहाज से अपने ख्यालात का इजहार करें। शोएब बिकिक साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले मैं शुक्रिया करता हूँ अपनी टीम का, इंटेलेक्चुअल फोरम का, जिन्होंने आज इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में प्रोग्राम निश्चित किया। स्टेज पे बैठे हुए इंटेलेक्चुअल फोरम की पूरी टीम और हमारे जितने भी मौजूद मेहमान आए हुए हैं और सामने हमारे जितने भी मौजूद मेहमान आए हुए हैं, हम सबको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मैं समझता हूँ कि आज का जो प्रोग्राम है वो उसका जो अनुमान है तकाज आजम एज ए सुप्रीम लीडर। एज ए सुप्रीम लीडर जब हम कहते हैं तो उस पर हमें एक चीज़ वाजह होनी चाहिए कि लीडर जो होता है उसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि उसके डिसीशंस, और वो भी उसकी टाइमिंग बेस्ट होनी चाहिए। तो जब मैंने हमने कायद आजम को पढ़ा तो हमने देखा कि उनके जो डिसीशन थे वो एक तो बर वक्त थे, उसकी टाइमिंग बड़ी बेहतरीन थी, और यही वजह थी कि उन्होंने अपना मकसद हासिल किया। अब कायद आजम के जितने भी पहलू हैं मैं एक चीज़ें आपको वाजे बताऊं कि हम अक्सर हम देखते हैं कि एक तो ये बात चलती है कि भाई कायद आजम कराची में पैदा हुए या जिरक में पैदा हुए, वो तो एक अलग मैटर वो चलता रहता है। दूसरा ये है कि कायद आजम के जो वालिद का नाम था वो था जूनियो पुंजो, जूनियो पुंजो। अब जब आप जूनियो को इंग्लिश में लिखोगे तो वो जिना हो जाता है। आप जूनियो को जब इंग्लिश में लिखोगे ना तो वो आप जूनियो को लिखे तो जिना हो जाता है, तो उसको लोगों ने पढ़ना शुरू किया जिना। असल में वो होता है जूनियो पूंजो। उसकी जो वालदा थी उसका नाम था मिठी बाई, तो मिठी बाई थे वो शीरी बाई हो गई। तो
तो हमें यहाँ जो बैठे हुए हैं, हमें सिलेबस को चेक करना चाहिए, उसमें इन चीज़ों को बताना चाहिए कि इसकी असल हकीकत क्या है। जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है। दूसरा जो है कि भाई हम कहते हैं उनके डिसीशंस, मैं कहता हूँ कि कायदे आज़म जो थे उनके जो डिसीशन थे वो सबसे पहले इस चीज़ को समझ चुके थे कि हिंदुस्तान तकसीम होना है, क्योंकि वो जो कांग्रेस थे उसकी जो अलहदगी थी वो उस चीज़ की वाज़ह मिसाल थी कि वो पहले इस चीज़ को समझ चुके थे कि अब मुत्तहिदा हिंदुस्तान नहीं चल सकता। ये बहुत से लोगों को अगर आप देखें तो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद पता चला है, लेकिन कायदे आज़म की शख्सियत ऐसी थी जो उस चीज़ को पहले ही समझ चुके थे कि ये अब हिंदुस्तान तकसीम होने जा रहा है। मैं खान गफ्फार खान एक बहुत बड़े लीडर हैं, हम उसको सब बड़े लीडर मानते हैं, उससे अपनी किताब जो उसने आप बीती लिखी है उस पर उसने लिखा है, उस पर वाज लिखा है कि मुझे आखिरी दिनों में मौलाना कलाम और नेहरू ने कहा कि आप मुस्लिम लीग में शामिल हो जाएं। यानी कि इतने बड़े लीडर थे उसको भी यह पता नहीं चल सका कि उसको आखिरी दिनों में मौलाना कलाम ने कहा कि आप मुस्लिम लीग में शामिल हो जाएं, जबकि खान गफ्फार खान ने कहा कि मैंने इतनी दो इलेक्शन है मुस्लिम लीग के मुखालिफ लड़ चुका हूं और अब आप मुझे कह रहे हो कि आप मुस्लिम लीग में शामिल हो जाएं, तो उन्होंने कहा कि अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। और खान गफ्फार खान कहता है कि मैंने फर्स्ट टाइम रोया कि मैं इस बात को समझ नहीं सका। तो ये एक बड़े लीडर जो होते हैं उनकी निशानी होती है कि वो दीवार के उस पार भी उसको नज़र आना चाहिए, दीवार के इस पार को सबको ही नज़र आता है। तो मैंने इस बारे में थोड़ा बहुत लिखा है, मैं कोशिश करूँगा कि इसको जल्दी ख़त्म करूँ कि कायदे आज़म ने अपनी शख्सियत और किरदार में कभी वो नुमाइशी खासियत पैदा करने की कोशिश न की जिसके ज़रिए बाद सियासी लीडर या दानश्वर दूसरों पर अपना असर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उनके लिए उनका सियासी मकसद और नस्बुलैनी सबसे सब कुछ था और अपनी शख्सियत और ज़ाती ज़िंदगी को वो पब्लिक के नुक्ते नज़र से शायद कुछ बहुत अहम नहीं समझते थे। उन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी को शोबदाबाजी से पाक रखा और उस ज़माने में भी जब वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुनज़्ज़िम कर रहे थे और उन्हें अवाम की ताईद और तआवुन की सख्त ज़रूरत थी, उन्होंने कभी मैं लोगों की खुशनुदी और उनकी वाहवाह सुनने के लिए कोई काम न किया। वो एक अरसे तक हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलमबरदार थे, मुत्तहिदा कौमियत के नकीब रहे, लेकिन जब अपने मकसद में नाकाम रहे तो वो तकसीम मुल्क के सिवा कोई चारा न देखा, चुनाचे तहरीक पाकिस्तान का आगाज़ किया और बिलआखिर उसे कामयाबी की मंजिल तक पहुँचाया। मोहम्मद अली जिन्ना की निजी ज़िंदगी न्याय सुथरी बेदाग थी और उनकी आदत में कोई भी बात ऐसी न थी जिसे वो छुपाने की कोशिश करे, लेकिन उनके जहन में निजी और सियासी ज़िंदगी के दरमियान हद और फासिल बहुत वादे था और वो उसूलन इस बात को नापसंद करते थे कि किसी की सियासी रहनुमा की निजी ज़िंदगी से दूसरे लोग कोई सरोकार रखें और वो उसकी तशरीह करें। उन्हें दूसरों की निजी ज़िंदगी से कोई दिलचस्पी न थी, न वो अपनी मामलात में किसी दूसरे की मुदाखलत बर्दाश्त करते थे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक लीडर सियासतदान थे, वो दुनिया के लीडरों में शुमार किए जा सकते हैं जिन्होंने अपने मिशन को अपनी ज़िंदगी में कामयाब हमकिनार किया। यही एक बड़े लीडर की सबसे बड़ी निशानी है। आप सबकी बड़ी बड़ी मेहरबानी।